सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं बेबीज के दो प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि एक सेबामेड का फेशियल क्रीम एंड अनदर वन है द मॉम्स को का बेबी लोशन। तो सेबामेड की बात करूं तो ये मैंने पहले भी इसको ट्राई किया हुआ, दैट्स व्हाई मैंने फिर से मंगाया है, और जो मॉम्स को का ये मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ। सेबामेड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, ये मेडिकेटेड कंपनी है, डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं बेबीज के लिए, और ये 5.5 pH जो बैलेंस होता है स्किन में वो मेंटेन करती है, यानी कि बेबीज के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती थी, उसके लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी जैसा बताया यूज किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने फिर से मंगाया है। तो ये छोटी सी बॉटल है, ठीक है, ये है 50 ml की बॉटल, और इसका प्राइसिंग की मैं बात करूं तो ये करीबन 850 की 50 ml की बॉटल। यस, थोड़ी कॉस्टली जरूर है, बट इतनी बॉटल आपके 3 months चलती है, क्योंकि ओनली बेबी के हमको फेस पे लगाना होता है, ठीक है, तो ये 3 months इजिली चल जाती है। तो 850 की ऑलमोस्ट है, और कुछ डिस्काउंट प्राइस में भी आपको मिल सकती है, यानी कि 650-700 में भी आपको मिल जाएगी। तो जैसा भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। ये दोनों प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट प्राइस से मंगाए हैं, ओके, तो मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर के वहां पे चेकआउट कर लेना। तो कभी ना कभी उसमें ऑफर्स आते रहते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा और भी कम प्राइस में मिल जाए। सो चलिए मूव ऑन टू आवर प्रोडक्ट। तो ये 50 ml की बॉटल है, इसका प्राइसिंग वगैरह मैंने दे दी है, और मैं आपको फ्रंट कैमरे से, सॉरी बैक कैमरे से भी इसको दिखा दूंगी कि कैसी क्या है। सो ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्किन के लिए होती है, यानी कि अपनी बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसका अगर मैं आपको थिकनेस की वगैरह की बात करूं, मैं दिखा दूं, तो ये आप थोड़ी सी प्रोडक्ट ले अगर लीजिए ना, एकदम पी साइज से भी बहुत थोड़ा सा, यानी कि जो दाल के बराबर आप थोड़ा सा लोगे ना, तो उतना इनफ होता है आपके बेबी के फेस के लिए। बहुत ही ज्यादा अच्छी है ये, और इतनी अच्छी से मॉइस्चराइज करती है आपकी बेबी को कि पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो इस वक्त हमें बेबीज के स्किन को और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा अच्छी क्रीम है। और इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें तो इंग्रेडिएंट ऐसे नहीं दे रखे हैं, क्योंकि जो इसका कार्टन होता है ना, उसमें पूरे इंग्रेडिएंट दे रखे होते हैं, और मैंने वो कार्टन अभी फेंक दिया है, इसको मंगाए हुए काफी दिन हो गया है, तो मैंने उसको फेंक दिया है। लेकिन ये आप ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा अच्छी क्रीम है बेबी के लिए। इवन अगर आप बड़े हो, ठीक है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत परफेक्ट है, ठीक है। सर्दियों में तो आप कभी भी लगा सकते हैं, मैं भी इसको कभी कभी लगा लेती हूँ जब बहुत ज्यादा, एक्चुअली यहाँ पे इतनी ड्राइनेस नहीं है, बट कभी कभी जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है तो मैं इसको लगा लेती हूँ डे एंड नाइट। थोड़ा सा लीजिए आप और पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड हो जाता, बहुत अच्छा, तो बेबी के लिए भी आपका काम हो जाएगा और आपके लिए भी काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी क्रीम है सेबामेड की, तो डेफिनेटली आप इसको बिना किसी डर के बच्चों के लिए इजिली मंगा सकते हो, ठीक है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो ये है मॉम्स को का बेबी लोशन, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बताया यूज किया हुआ, इसको 15 दिन हो गए मंगाए हुए, ठीक है, और मैंने दोनों को साथ में ही मंगाया था, तो 15 दिन हो गए हैं। तो ये है शिया बटर, कोको बटर, ऑर्गेनिक रिच ब्रैन, एप्रिकॉट एंड जोजोबा ऑयल्स। तो मैं इसको भी आपको अच्छे से आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो ये है मेन की इंग्रेडिएंट इसमें जो है, और मैंने ये, आप इसका देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, जो भी इंग्रेडिएंट वगैरह है, ये काफी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। प्योरीफाइड वाटर है इसमें, ग्लिसरीन है, शिया बटर है, कोको बटर है। तो ये जो मेन है वो आपको फ्रंट में दे रखा है, तो ये इनके मेन इंग्रेडिएंट है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, और ये देखिए इसकी प्राइसिंग ये है, ये 393 का प्राइस है इसका, और 393 का प्राइस है इसका, और आपको भी इसमें भी कुछ डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। और ये कितने ml की बॉटल है,
ये 200 ml की बॉटल है और काफी अच्छी बॉटल है, काफी अच्छी क्वांटिटी में आपकी पूरी बॉटल बेबी के लिए अच्छे से इजीली 2 से 3 मंथ आई थिंक चल जाएगी। और ये भी एक प्रोडक्ट है ना जो मैं भी यूज कर लेती हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अपने हाथ पैरों में लगाने के लिए ना बहुत अच्छा है। अब बात कर लेती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना, ये देखिए पी साइज मैंने लिया है, बहुत थोड़ा सा लिया है और ये भी इतनी थिकनेस बहुत अच्छी है और इवनली स्प्रेड हो जाएगा आपके हैंड्स में और विद इन 5 मिनट चला जाएगा, कहीं पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना, शिया बटर होता है, कोको बटर होता है वैसे, लेकिन बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट इसकी फ्रेग्रेंस है, तो जैसे बेबी के लिए एकदम परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला मॉइस्चराइजर। अब मैं बात करती हूँ कि अगर जो मैंने ये मॉम्स को का ये वाला ही मंगाया था ना, अब इसके साथ मुझे क्या आया, मुझे इसके साथ गिफ्ट आया, इसके साथ मुझे ये एक क्यूट सी जूट वाली बैग में मुझे गिफ्ट आया हुआ है, जो कि सबसे पहले ये है एक फेस वॉश जो कि चारकोल फेस वॉश है। मैं आपको सब बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसा क्या है। एंड देन एक है टोनर, बहुत ही अच्छा वाला, छोटी सी क्यूट सी बॉटल में मुझे एक ये गिफ्ट रिसीव हुआ है। एक ये है एक नाइट क्रीम जो कि मुझे रिसीव हुई है, छोटी छोटी सी आपको एक क्या बोलते हैं, एक टेस्ट के लिए आपको दिया गया है कि आप इसको यूज करके देखिए कैसा क्या है। और एक मुझे ये बच्चों में दूध में डालने वाला पाउडर होता है ना वनीला का, वो मुझे एक छोटा सा पैक रिसीव हुआ है। तो ये एक टेस्ट के लिए मुझे इतनी सारी चीजें एक छोटे से लोशन के साथ रिसीव हुई है, जो कि इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा दूँ 350 रुपए की ऑलमोस्ट इसका प्राइस है और इसका प्राइस भी सेम ही है। तो सोचो कितना मुझे बहुत खुशी हुई मुझे जब ये रिसीव हुआ ना, मुझे इसके साथ ये गिफ्ट मिल गया, बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है बट मैं इसको ट्राई करके डेफिनेटली आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, ये हाईली रिकमेंडेड है, आप अपनी बेबीज के लिए इजीली मंगा सकते हो या खुद भी यूज कर सकते हो अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो। सो ये रहे मेरे दोनों प्रोडक्ट के रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब के मेरे चैनल से मत जाइएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने घरों में सेफ रहिए।